प्रभु मसीह के मधुरों मीठ नाम समय साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, अब सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार के जो बीमार पड़े उनके लिए सभी समस्याओं के दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को सभी ग्रुप में फेसबुक मसीह ग्रुप हर जगह शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा व्यक्ति यीशु मसीह को जान सके। जो वीडियो शेयर करने के लिए बोलता हूँ तो आप शेयर करते नहीं हैं, फालतू का मैसेज और फालतू का वीडियो आप शेयर करने में माहिर हैं, तो हमें कहाँ से आशीष मिलेगा। हम प्रार्थना का और वचन का वीडियो शेयर करने वाले हो जाए, प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारे मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार कर रहा है। इसका सारा आदर महिमा प्रशंसा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो हमें व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग करके भेजें या फिर वीडियो के माध्यम से भेजें। हम आपके गवाही को इस वाले चैनल पर पोस्ट करेंगे ताकि आपके गवाही को देखकर और भी लोग मसीह यीशु को जान सके और उस पर विश्वास कर सके। यीशु मसीह ने कहा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य चमत्कार किया है मेरे पियो, उस बातों को हम दूसरों को बताने वाले हो जाएं ताकि हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु कार्य करे उसके प्रचार के लिए भेंट दाना दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। जितने भाई बहन चर्च जमीन के लिए अपने भेंट को भेजे, हाथ को बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप हमें चर्च बिल्डिंग के लिए दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में या फिर नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगा और अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार हमें भेंट उसमें भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर और विश्वास करके प्रार्थना के द्वारा मुझको चंगाई आशीष मिलने जा रहा है। हालेलुया 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 बारी बाबलर बारी कर बारकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। त्रिनाम की महिमा हो, त्रिनाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया बारी बाबलर खराबर एकदम जयम। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के रात में सुना है, एक नया दिन दिखाया, जीतों के बीच हम सबको जीत रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। सरा आदर महिमा प्रसन्नित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों जो प्रार्थना को देख रहे पिता, प्रार्थना को भेजे पिता, वीडियो को सुन रहे पिता, उन सबके लिए हम बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं। इन सबके जीवन तो आज अद्भुत कार्य करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर कार्य में अगुवाई कर पिता, जहाँ कार्य करने जाते हैं पिता इनको तो सफलता प्रदान कर पिता। घर में कार्य करने में सहायता कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, स्कूल कॉलेज में सहायता कर, तमाम सुरक्षा प्रदान कर। जैसे घर को जाते हैं पिता शाम को ब्लेसिंग में, ऐसे घर को आने पाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बहुत से भाई बहन आज की सुबह जाएंगे पिता नौकरी खोने पिता, और जहां कहीं भी जाते हैं पिता तो उनको आशीष प्रदान कर, और जितने सैलरी के प्रार्थना करवाए हैं पिता उतने ही बिल्कुल दुगनी तो आशीष देने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हबरी बाहू लराबर रिखराबर रक्तम जयम। जो भाई बहन सकाई जॉब लग गए, एग्जाम दिए, हर एक को तू सफलता प्रदान कर पिता। जो बीजा पासपोर्ट समस्याएं आ रही है पिता, उस समस्याओं को दूर करते हैं, बीजा पासपोर्ट हम तेरे नाम से इनको दिलाते हैं। इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते पिता। हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की सुबह चिंता में पड़े हुए हैं पिता, वो किसी बात को लेकर बोझ से दबे हुए पिता, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हो, सोच रहे हैं मैं उस रास्ते को कैसे पार करूं, कैसे अपने मंजिल तक पहुंचूं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पियो अपनी चिंता अपनी समस्या अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। वो आपकी चिंता करते, आपकी केयर करते, आपके बोझों को दूर करने के तैयार है, आपके बंद रास्ते को खोलने के तैयार है, आपके लिए नया मार्ग को बनाने के तैयार है, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी तैयार है। केवल आप उससे विश्वास से प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपनी चिंता अपनी समस्या अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। फ्री माइंड होकर उससे प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, और जो कुछ प्रार्थना करके मांगे विश्वास से वो समझ लीजिए वो आपको मिल गया। परमेश्वर वही देगा जो आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। परमेश्वर आपके दिल की बातों को भी जानता है कि आपके अंदर क्या चल रही है, जो बोल रहे हैं उसको भी सुन रहा है। परमेश्वर हर एक जगहों पर स्थिर है,
इसलिए ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। पिता इन सब की चिंताओं को तूने दूर किया, पिता इनके बोझों को तूने दूर किया, धन्यवाद। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे थे पिता तूने इनको खोल दिया पिता, वन तूने इनके नए नए मार्ग को बना दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा प्रस्तुत करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता। जो भाई बहन दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। वो दुनिया कुन में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, उनके परिवार के लोग प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, उनके द्वारा उनको कार्य करने जा रहे हैं उनके जीवन में, इसके लिए धन्यवाद। हर एक दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, प्रोहदी की आत्मा, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं उनके जीवन से, उनके घर से निकल जाए। मैं ये पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है। आपके द्वारा उस व्यक्ति का मन को बदलेगा यीशु मसीह, उसके जीवन से हर एक बुरी चीज़ों को निकाल फेंकेगा केवल आपके विश्वास करने के द्वारा। हाला रबा हूल रबा रिख रबा रक्तम चम, ये प्रार्थना जिस घर में चिर पिता उस घर के चावों थोड़ा बांधते हैं, जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उस घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उज्जवल वचन का सामर्थ्य तेरे नाम से आ जाए पिता। इन सबको चंगाई प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों को जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, वो बाहर में रह कार्य करते हैं पिता, वो जहाँ ही भी रहते हैं जिस देश में रह कार्य करते हैं पिता, सुरक्षा छाओं से भरपूर होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हम तेरे नाम चंगाई की घोषणा करते हैं, जो पिता जहां कार्य करते हैं उस जगह में उनके तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता हम तेरे नाम से उनको आज़ादी की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए विभिन्न प्रकार के हरी समस्याओं को हम उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, वो समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती। हरी समस्या को हम उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, वो समस्याओं का रास्ता खोल दिया, एक नया मार्ग बना दिया, इसके लिए धन्यवाद। हबरी बहुल रक्तम जी, हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। वो थके माए तेरे पास आए हैं और तेरे वचन कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं पियो विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके विश्वास करने के द्वारा कार्य करने जा रहा है। अपने पापों की क्षमा उससे मांगे दोबारा ना करने का उससे अदा कीजिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता से कार्य कीजिए, उसके वचनों पर चलिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है 2020 में। इन सबको आशीष दिया धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो तेरे कार्य के तेरे चार के लिए पिता, हाँ प्रभु जी अपने भेंट को भेजे हैं पिता, अपने बीज को बोए हैं पिता, वो जितना भेजते हैं पिता उतना नहीं बल्कि 100 गुना को आशीष मिलने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। उनके खत्ते हमेशा भर रहे प्रभु जी, तो उनके लिए अपना आशीष की वर्षा कर दिया है पिता का, जो वो खोल कर, इसके लिए धन्यवाद। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करें, समस्याओं को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, इन सबको आशीष दिया धन्यवाद। हबरी बहुल रबा रक्तम जम, जो बीमार पड़े हैं पिता कई दिनों कई महीनों कई सालों से, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते, मेरे पिता ये घुटनों पटेक कर आंसुओं के साथ गिराते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे दुआ ना करने का उस सदा कीजिए, उसके वचनों पर चले, उस ज्ञाओं को पालन कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। घुटनों पे आकर उससे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बीमारियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपकी हरी बीमारियों को दूर कर दिया है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, वो लहू में उस सामर्थ्य जो आपकी हरी बीमारियों को आपके जीवन से निकाल फेंकता है, आपके दुखों को, आपके दर्दों को, आपकी बीमारियों को परमेश्वर ने कवर क्रूस पर सह लिया है। देखिए उस कवर क्रूस की कथा को, उस क्रूस की तरफ नजर उठाइए, परमेश्वर ने आपके खातिर कितना दर्द सहा है, उस दर्द के सामने आपकी बीमारी का दर्द कुछ भी नहीं है। उस पर क्लेम कीजिए, इस कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, इस कोड़े खाए चंगे हो चुका हूँ, इस कोड़े खाए चंगे हो चुकी हूँ, यीशु मेरे पापों के खातिर मरा और मेरे खातिर तिरसत जिंदा होकर आज मेरे संग रहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, वरन कर चुका है विश्वास करने वालों के जीवन में। पिता इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये दुनिया को ने कहीं भी रखकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके शरीर में प्रवाहित हो जाए पिता, इनके हाथ इनके पैरों के समय एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक रूप का हुआ खून यीशु नासरी के नाम में चलने लगे उसके अंदर। इन सब को चंगाई प्रदान किया धन्यवाद। हबरी बहुल रबा रिख रबा रक्तम जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बारी बाउलरा बारी करा बा, रक्तम, धन्यवाद पिता, इन सबको चंगाई प्रदान की, बीमारी से छुटकारा दिया पिता, समस्याओं का समाधान दिया, इनके बंद रास्ते को खोला, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना जिस घर में चर पिता, उस घर के चावल बांध के जनऊ को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दिन भर कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं सबको तो ब्लेसिंग दे, जैसे घर को जाते हैं शाम को स्वर्ग छाओं से भरपूर घर को आ नहीं पाए, बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर आज की सुबह जाएंगे हॉस्पिटल बीमारी चेकअप के लिए पिता, हर एक बीमारियों को उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आने पर पिता डॉक्टर हॉस्पिटल जाने से पहले पिता, जब जाते हैं पिता हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने से पहले बीमारियां शरीर से निकल जाए, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से नॉर्मल आने पाए, इन सबको हम आजादी की घोषणा करते हैं, सबको आशीष दिया, धन्यवाद प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रार्थना पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम ईश्वर का नाम मांगते, शून्य दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ देखिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, जितने भाई बहन विश्वास कर प्रार्थना को देखें प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी जगह से लेके ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।